At first, I would like to mention that in 2013, the then Chief Minister Sri Navam Tuki launched the Chief Minister Trophy on football and volleyball for men and women with the objective to encourage the increasing public interest in most played game of the state, football and volleyball. In 2016, the tournament was renamed by our Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu to honor and acknowledging the supreme sacrifice of late Hangpan Dada. This tournament was designed in a three-tier basis, that is block, district and state levels. This year, the tournament is restricted to under 16 boys and girls, focusing on the catching the talent while they are young. The Hangpan Dada Memorial Tournament is considered as the biggest sports event of the state in terms of participations. Like every year, this year also we have witnessed overall 1500 participants, including players, officials and volunteers from all the district of Arunachal Pradesh. The main objective of this event is to promote excellency and recognize outstanding young athletes of football and volleyball players and to facilitate their participation at higher level of competition. कि हंगपन दादा टूर्नामेंट हमारे प्रदेश की सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और हमारे डिस्ट्रिक्ट को गौरव है कि इस स्पोर्टिंग इवेंट को होल्ड करने के लिए हमें इस बार मौका मिला। इसके लिए मैं पूरी रोइंग की जनता की तरफ से राज्य सरकार को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, ख़ास तौर पे हमारा ज़िला प्रशासन जिसके नेतृत्व में ये आयोजित किया जा रहा है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स, जितने भी स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स आए हुए हैं, आप सबको इस बार रोइंग पर इस टूर्नामेंट को होल्ड करने देने के लिए जो आप लोगों ने मौका दिया, हम तहे दिल से आप सबको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जब बाइचिंग भूतिया जी अरुणाचल पे आए, ईटानगर पे आए, तो उनको पत्रकारों ने पूछा था कि आप पहले बार अरुणाचल पे आए हैं, आप फुटबॉल पर एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, तो यहाँ आके हमारे स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या दे सकेंगे, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए या प्रोग्राम के लिए आपकी तरफ से क्या सहयोग होंगे? तो बाईचंद भूतिया जी ने ये जवाब दिया कि देखिए, मेरे पास यहाँ देने के लिए कुछ पैसा वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए मेरे पास ऐसे कुछ सुविधा तो नहीं है, मैं जस्ट यहाँ आया हूँ बच्चों को एंकरेज, प्रेरणा देने के लिए। और उसने कहा, उनको अपना कहानी दोहराया कि वो जब छोटे थे तब वो अक्सर टीवी पे देखता था वर्ल्ड कप और अन्य खेल, फुटबॉल का खेल, यूरोपियन कप, वर्ल्ड कप, लोकल जो टूर्नामेंट होता था, तो अक्सर उसको बहुत पसंद लगता था वो बनाना किक, और जो किक मारने के बाद थोड़ी सी गर्व होकर बॉल गोल पे जाता है या कहाँ जाता है, उनको बहुत पसंद होता था और हर रात भर सोचते रहता था उसके बारे, टीवी पे देखते रहता था, सोचते रहता था, उसी सोच पे हमेशा सुबह 5 बजे उठ के फुटबॉल खेलने के लिए चल जाता था। और इसी तरीका से एंकरेजमेंट मिलके वो उस ऊंची स्तर तक खेल के क्षेत्र पे ये स्तर तक उसने पहुंचा। मैं खिलाड़ियों को ये भी कहने चाहता हूँ कि खेल आसान नहीं है। अगर आप देखें तो जितने भी लोग सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा है खेल के क्षेत्र पर, वो मत सोचिए कि उनके पास सिर्फ टैलेंट का वजह से वो पहुंचा। खेल पे आपको बहुत ही ट्रेनिंग करना पड़ता है, खेल पर आपको बहुत ही मेहनत लगाना पड़ता है। शायद समुद्र पे आपने सुना होगा बर्फ का गीला आइसबर्ग जो कहता है, उस पर 90% पानी का नीचे होता है, सिर्फ 10% आपको ऊपर दिखाई देता है।
वो 10% जो है उससे मेडल दिखाई दे रहा है कि मिल रहा है, वो सब मिल रहा है, लेकिन 90% मेहनत होता है, डिसिप्लिन होता है, जुनून होता है। पिछले 10 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ये जो बच्चे आए हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने ये खेल पर हिस्सा लिया, हमें सबको अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। कहीं कहीं के मैंने देखा है कि जीतने समय भी रो रहा था, हारने समय भी रो रहा था। खेल बहुत ही इमोशनल चीज़ होता है, और हम इस इमोशनल चीज़ को बाइंडिंग करके हमारे जो इस बार जो टूर्नामेंट होल्ड कर रहे हैं, इस बार हमारे ज़िला प्रशासन ने इस खेल के ज़रिए एक अभियान शुरू किया है, और वो अभियान है ड्रग्स छोड़ो, खेल से जोड़ो। इस अभियान को मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सलाह देने चाहता हूँ। यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, आपको ये सलाह देने चाहता हूँ कि यहाँ रोइंग तक सीमित होने मत दीजिए। जब आप अपने ज़िला पे जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे, इस अभियान को तेज़ पुरजोर तरीक़ा से फिर इसको एक जागरूक कीजिए लोगों को, ख़ास तौर पे हमारे बच्चे लोगों को, जो नशे के धुत पर अपनी ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं, जो नशे के धुत पर अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसी सोच से मैं रोहिंग की तरफ से यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अरुणाचल सरकार जो है अभी बहुत से खेल जगत में हम लोग को स्ट्रेस दे रहा है। अंडर द लीडरशिप ऑफ यंग एंड डायनामिक श्री पेमा खांडू जी एंड ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी, ये दोनों ने बहुत सा अभी खेल जगत को स्ट्रेस दे रहा है, और हमें भी एक लक्ष्य दिया है 2024-2028 ओलंपिक में जैसे भी हम लोग का अरुणाचल से रिप्रेजेंट होना है। इसीलिए हम लोग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है दिन रात हम लोग टैलेंट हंट जगह जगह में, कुछ ही दिन पहले मैं जीरो में गया, सारा अरुणाचल में मैं हम लोग घूम रहा कि हम लोग का अरुणाचल से भी ओलंपिक में रिप्रेजेंट करे। इसलिए उसी के लिए हम लोग रोड मैप तय कर चुका है, सरकार भी इसके लिए पूरा तैयार है। इसलिए मैं युवा खिलाड़ियों को मैं निवेदन है, पहले जैसे नहीं है, अभी हम लोग खेल का जगत में हम लोग बहुत बदलाव लाया है, और अभी बहुत से मेडल भी आ रहा है इन डिफरेंट डिसिप्लिन। तो इसीलिए ये एक हम लोग का ले थम्पन दादा हु हैज़ ए सेक्रीफाइस फॉर आवर मदरलैंड, इनको हम लोग अरुणाचल सरकार याद करते हुए उनका सुप्रीम सेक्रीफाइस को, ये एक स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एक टूर्नामेंट रखा गया है। तो इस टूर्नामेंट का जरिए प्लेयर लोग, जितना खिलाड़ी लोग, उसको मौका को फायदा उठाना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग यहाँ तक सीमित मत हुए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचने के लिए आप प्रयास कीजिए। इसके लिए अगर सरकार आप लोग का जो साथ में कंधे पे कंधा मिला के हम लोग उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत कुछ सीखने मिला हम लोग को यहाँ आके, और बहुत कुछ मिला है हम लोग को यहाँ में सीखने के लिए, अच्छा चीज़ भी ना, और बहुत दोस्त भी मिला है, बहुत ओपोनेंट भी मिला है, बहुत खेला है कूदा है हम लोग साथ में मिल के, वही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सर मेरे लिए, क्योंकि इसको आगे खेलना चाहते हैं और हम ना आगे करियर बनाना चाहते हैं इसको, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आगे ट्राई करें आगे खेलने के लिए ना, आगे कोशिश करें, एक बार हार गया तो गिव अप नहीं होना है, आगे बढ़ना है।
अभी ये सब ड्रग्स वगैरह तो बहुत ख़राब है, फिजिकल गेम ये सब खेलना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब है हम लोग का हेल्थ को वो करेगा, मीन्स अच्छा करेगा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, हम लोग तो सोचा नहीं था जीतेगा ना, लेकिन जो बहन लोग भी नया नया था, पर भी इस बार अच्छा हुआ सेकेंड तो मिला है ना, मतलब ट्राई तो किया है जीतने के लिए पर भी नहीं सका है ना, पर भी कोई बात नहीं, हम लोग सेकेंड मिला ये भी बहुत बड़ा अच्छा बात है ना। तो हम लोग अभी अपना डिस्ट्रिक्ट वापस आके भी बहन लोग को ये दिखाएगी कि हम लोग भी ये मिले, नेक्स्ट टाइम आप लोग भी ट्राई कीजिए ना। Cheer up, cheer up, hippy pure! Hello, bring it up!